करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग एक गांठ बांध लो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल एक्सप्लिसिट कंटेंट। आप किसी से बात करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप हो गई है, एक दो चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये मोबाइल आपके लिए चमत्कार है, मतलब आपके लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है, तो इसमें आप बहुत सारे बुरे काम भी आपके साथ हो सकते हैं, फंसा भी सकता है आपको। इसीलिए जब भी आप किसी से WhatsApp पे बात कर रहे हैं या Facebook पे बात कर रहे हैं, मैसेंजर के थ्रू बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे फिशी लोग भी होते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। इसलिए जो आप शब्द लिख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, आपकी फोटोज को एडिट किया जा सकता है, आपके शब्दों को थोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से कभी कुछ शेयर ना करें, पहली चीज तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी तरफ से ना ही कोई गलत शब्द लिखें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऑडियो ऐसा शेयर करें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऐसा वीडियो शेयर करें। देखिए कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, ऐसी कोई भी चीज शेयर ना करें, और स्पेशली उन लोगों को जो रैंडमली मिले आपसे। कैसे पॉसिबल है यार, फेसबुक पे आपसे मैसेंजर पे किसी ने मैसेज कर दिया, आप उसे चैट करे जा रहे हो, चलो चैट किया जो किया, उसके बाद आप फोटोज भी शेयर कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आ रहा है जब इंटीमेट फोटोज और वीडियो शेयर हो रही है, कि आप ऐसी चीजें शेयर ना करें। मैं समझता हूँ एक एज ऐसी होती है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, लॉकडाउन है, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि ये आपको आगे जाके फंसा सकता है। सो बी केयरफुल।